आप था चलिए 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 मुझे आपसे प्यार आ रहा है, ये लीगल अवेयरनेस पे बात करेंगे इनके। स्टेशन नहीं जा सकते आप, वुमेन हेल्प लाइन जा सकते। आपको कोई गलत बात कर रहा है आपसे, आप वो भी बर्दाश्त ना करें। हम क्यों बर्दाश्त करें? ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया हुआ है कि हम लोगों को डिग्निटी के साथ रहना है। आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज ई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो हर एक ऐसी चीज करेगी जिससे औरतों को डिग्निटी के साथ रहने दिया जाए। तो आप का ये मेडिकल कैंप था उमर एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से, तो क्या मुद्दा और मकसद इस कैंप का था? देखिए नासिर साहब, बेसिकली ये आज एक इनॉग्रल कैंप था, ये इनॉग्रेशन है इन कैंप्स की, बिकॉज ये जो कैंप्स हैं ये अक्रॉस द चिनाब वैली लगने वाले हैं। पूरी चिनाब वैली में हम ये कैंप्स, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, जिसका मोटिव जो है दवाइयाँ देने के साथ लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करना भी है। और हम चाहते हैं कि लोगों और हॉस्पिटल, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, लोगों का और हॉस्पिटल का कांटेक्ट थोड़ा कम हो, बिकॉज लोगों को वही दवाइयां और डॉक्टर उनके डोर स्टेप से मिले, ताकि हम लोग भी मिलजुल के ये कोरोना सेपरेट को थोड़ा सा रोक सकें। और हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की हैं लोगों के बीच, जिनसे वो काफ़ी टाइम तक फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमने एक और काम किया है, हमने जो है वुमेन राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके बारे में एक सेमिनार रखवाया, जिसकी जो हमारी लेडीज़ थी यहाँ पे, जो तबका था हमारी सोसाइटी का, वो काफ़ी अवेयर हुई उस चीज़ के बारे में। तो बस यही आज हमारा। तो क्या लगता है आपको, रूरल एरियाज़ में जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती है, तो क्या लगता है आपको ऐसे ऐसे कैंप लगाने से क्या वाकई में जो है ग्राउंड लेवल पे लोगों को फ़ायदा होता है कि जस्ट ये एक अलग चीज़ रहती है? देखिए नासिर साहब, अल्लाह का शुक्र है कि हम कहीं भी पहुंच जाते हैं जब भी कुछ ऐसा हो। और आपने तो खुद भी देखा, काफ़ी सारी भीड़ थी हमारे पास, बहुत सारे लोग आए, फ़ायदा उठाया इस मेडिकल कैंप का। और तो हम तो आगे भी ये करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, जब भी हम कोई ऐसा काम करें, लोगों के बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए है, उनके फ़ायदे के लिए काम है। तो लोग आप भी जाते हैं और आगे भी हमें पता है लोग आते रहेंगे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये जो आज कैंप लगा है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करके बताइए, किस प्रकार का कैंप था ये? जी नासिर साहब, आपका पहले तो शुक्रिया हम करते हैं, आप यहाँ पर आए, हमारी हौसला अफजाई की। तो रही बात जो हमारे ये जो कैंप चल रहा है सर, ये कैंप एनजीओ तरफ, उमर एनजीओ की तरफ से चल रहा है सर। हमने समझा यहाँ पे लोग बहुत पिछड़े हैं, गरीब लोग हैं, बहुत दूर दूर है जहाँ तक मेडिकल सुविधा नहीं पहुँचती है। तो हमने ये सोचा, हमने अपने प्रेसिडेंट साहब से भी कहा, चेयरमैन से भी कहा कि सर हम जो ये कैंप है ये लोअर भिज्जा में लगाएंगे, ताकि यहाँ पे चारों तरफ से लोग आते हैं तो इनको मेडिकल फैसिलिटी हम दें, और साथ में इनकी अवेयरनेस के लिए उनको थोड़ा सा बताएँ, ब्रीफ करें। हमारी लीगल एडवाइज़र भी साथ में थी, एडवोकेट। तो ये कैंप हमने इस पर्पज से लगाया था सर। तो कितना लगता है वो, कितना फ़ायदा हुआ अगर रूरल एरियाज़ में खास? देखिए आप खुद सर यहाँ पे हैं, प्रेजेंट है, आप देख रहे हो कैसे मतलब ये चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आप फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ का। और दूसरा मतलब जो लोग बाज़ार तक नहीं पहुँच सकते हैं, जिनके पास वो पैसा नहीं है, माली कंडीशन ख़राब है, उनके पास नहीं। और आज जो देखो आप, 2-3 साल से कोविड की वजह से मतलब लोग बहुत मुश्किल में चल रहे हैं, तो इससे इन लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचे तो हमें बहुत खुशी होगी। ओके अच्छा बताइए, जो आज आप यहाँ पर आई हुई हैं, यहाँ पर कैंप भी लग रहा है, इसके साथ जो लीगल अवेयरनेस का भी आप स्पेशली वुमेन के लिए यहाँ पर कर रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मारियम कदस मलिक, आई एम एन एडवोकेट बाई प्रोफेशन. सो आई एम हेयर टू प्रोवाइड सर्टन बेसिक लीगल अवेयरनेस अमंग द कॉमन मासेस हु एक्चुअली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट देयर प्रिवेलिंग राइट्स. सो दे बींग अनअवेयर आर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी. सो वी टॉक अबाउट द वुमेन इन लॉ इन इंडिया, वेरियस लेजिस्लेशंस हैव बीन पास्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस फॉर द एम्पावरमेंट, बेटरमेंट एंड सेफ्टी ऑफ द वुमेन इन इंडिया. सो आई एम हेयर टू प्रोवाइड सम बेसिक यू नो लीगल अवेयरनेस टू द कॉमन मासेस. तो इसके अलावा जो है आपको क्या लगता है कि दूर दराज इलाकों में ऐसे कैंप्स लगने चाहिए, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए जिससे जो है जो लोग अवेयर नहीं होते हैं खास तौर रूरल एरियाज में, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा? जी जी, बहुत हेल्पफुल रहेगा और हम ट्राई करेंगे. मैं आई बींग एन एडवोकेट, मैं चाहती हूँ कि मैं इस NGO के साथ जुड़ के बहुत सारे ऐसे कैंप्स करूँ जिनकी वजह से लोगों में, औरतों में बेसिकली ये अवेयरनेस आए और उनको पता चले कि उनके जो राइट्स हैं वो उनको पता चले, सो दैट उनके साथ कुछ गलत ना हो सोसाइटी में. बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी लेजिस्लेशंस ने, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे काफ़ी सारे राइट्स हमें दिए हुए हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए. बट एज़ यू नो, वुमेन जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट होती हैं सोसाइटी में, तो इसलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो अवेयर होंगी अपने राइट्स के लिए तो उनको पता होगा कि उनके साथ गलत नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी कोट सम लाइक लेजिस्लेशंस, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, दीज आर द स्कीम्स वी हैव इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव इन आर लेजिस्लेशंस, बट पीपल डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोगों में लीगल अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि उनके पास क्या राइट्स हैं, सो दैट वो अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जिए, डिग्निटी के साथ जिए और अपने साथ कुछ गलत ना होने दें. कल कैंप लगाया गया है आपकी पंचायत में उमर एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से, तो क्या समझते हैं आप कितना जो है लोगों के लिए ये फ्रूटफुल रहा, लाभदायक रहा? सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप यहाँ इतने दूर फार फ्लंग एरिया में आके ये हमारे कैंप को कवर कर रहे हैं. मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. जो उमर एजुकेशन ट्रस्ट है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो हमारा एरिया एक रिमोट एरिया है जहाँ डॉक्टर्स की कमी होती है, लोग दूर एफोर्ड नहीं कर सकते, इन्होंने आके डोर स्टेप पे हमें जो है वो दवाइयाँ मुफ्त दवाइयाँ दी. मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे आगे भी चाहता हूँ कि ऐसे जैसे कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज हो ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग जो है वो BPL कैटेगरी से ताल्लुक़ रख सकते हैं. इतनी एफर्ट नहीं होती है कि वो दूर दराज तक, मतलब जैसे यहाँ से भद्रवाह तक 6-7 किलोमीटर डंडी तक पहुँचने में उनको इतने पैसे नहीं होते, ज़्यादातर बेचारे घर में ही रह जाते हैं. अगर ऐसे जैसे कैंपों से उनको फ़ायदा होता है ताकि दवाई भी मुफ्त मिले और डोर स्टेप पे ही इनको जो है दवाई मुफ्त में मिले और इनकी खिदमत अच्छी तरीके से हो, तो धन्यवाद करता हूँ. अच्छा मैम, तो बताइए जो आज आप यहाँ पर मेडिकल कैंप में आए हैं तो कैसा आपका यहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ, ट्रीटमेंट कैसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें यहाँ पे आके चेकअप किया गया, मेडिसिन दी गई और हमें पैड भी ऑफर करी गई है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से अच्छे रहेंगे और मेडिसिन हमें दी गई अच्छे से, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. तो इतने फार फ्लंग एरिया में जो है ऐसे कैंप लगना, आप क्या समझते हैं कितना जो है यूजफुल ये रहता है एस्पेशली वुमेन के लिए? स्पेशली क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ये नहीं कर सकते हैं कि हम हर टाइम पे डॉक्टर के पास जाएं, यहाँ से हमें हॉस्पिटल्स भी काफ़ी दूर पड़ते हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है. Okay. और ये जो हेल्थ के रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर रूरल एरिया में, फार फ्लंग एरिया में जो है ये फैसिलिटी देने का काम किया है, तो आज खुशकिस्मती से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इसका फ़ायदा ले रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके साथ मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर डोर स्टेप्स पर आके हमें चेक किया गया और हमें बहुत सारी दवाइयाँ जो उनको रिक्वायर्ड थी, चाहे किसी को अस्थमा है, किसी को कोई कोल्ड है, किसी को कोई पेट के रिलेटेड है प्रॉब्लम, कोई आजकल पेट ख़राब रहता है और दूसरी तीसरी जितना भी इनसे हो सकता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी इन्होंने बुलाया है. कुछ एक डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि आर्मी की तरफ से भी कुछ उनको बुलाया गया है, शायद वो भी यहाँ पे आएंगे. तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि NGOs को ऐसे जैसे काम जो हैं करने चाहिए और लकली ये यहाँ के हैं और एक ऐसे परिवार से हैं कि इनके फादर साहब जी बड़े सोशल थे तो उनके बेटे इन्होंने ये काम संभाला है, तो ये बड़ा अच्छा है, एनकरेजिंग है. हम चाहते हैं कि इनका ये काम और बढ़े और
मैक्सिमम जगहों पे पहुंचने की कोशिश करें ताकि लोगों को जो है उनके डोर स्टेप पर हेल्थ फैसिलिटी मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर बताइए सर, आज जो यहाँ पर आप मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करके बताइए ये किस प्रकार का है। देखिए नासिर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। हमने जो है ये मेडिकल कैंप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि लोग जो है आपको पता है पिछले 2 सालों से इतने पस्त हो चुके हैं, जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारी एनजीओ ने, उमर एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट ने, हमने ये डिसाइड किया कि लोगों के डोर स्टेप्स पे जाके लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद हमने लीगर अवेयरनेस का भी इसमें प्रोग्राम रखा हुआ है, और उसके बाद हम कंट्रासेप्टिव्स और वुमेन हाइजीन पे भी यहाँ पे कैंप लगाने वाले हैं, और सैनिटरी पैड्स वगैरह भी हम डिस्ट्रीब्यूट करा रही है हमारी एनजीओ। उसके बाद हमने इरादा हमारा ये है कि पूरी चिनाब वैली में ये जो है हम कराएं, और अभी हमारा 24th को जो है बाला में कैंप है, उसके बाद हम चिंता साइड में कराने वाले हैं, और ये प्रोसेस जो है अभी जारी और सारी रहेगा आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के कोऑर्डिनेशन से, और बाकी आपका शुक्रिया। क्या आप इन इवेंट्स को कवर कर रहे हैं और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं? उमर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने लोगों की डिमांड पर ही इस कैंपेन ने इनेकाद किया है। पिछले कई बल्कि 2-2.5 सालों से बड़ी परेशानी में रहे मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में भी, यहां तक कि लोगों की काउंसलिंग तक भी नहीं हुई, बहुत परेशान लोग रहे। इसी पस मंज़र में हमने भी यहाँ का ये कैंप का इनेकाद किया, ताकि हम लोगों के दरवाज़ों तक पहुँच के उन्हें बहुत सारी, जैसे कोविड के बारे में, इतनी कोविड की परेशानी से दुनिया परेशान हो गई, फिर भी लोगों को कोविड का पूरा पता नहीं है, तो कोविड के बारे में उनको बताना, और जिसमें वुमेन हाइजीन भी शामिल है, वुमेन राइट्स वगैरह, इसके बारे में लोगों की काउंसलिंग भी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे गरीब लोग जो हैं गाँव में देहात में बसते हैं, जिनकी ताकत इतनी नहीं होती कि वो दवाइयाँ खरीदें, हमने कोशिश की है कि यहाँ डॉक्टर साहिबान को भी बुला के जो एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, उसमें हमने दवाइयाँ भी इतनी लाई हुई हैं कि उनको यहाँ जितनी भी प्रेस्क्रिप्शन मिले उनको बाज़ार में उसके जाने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि उसको इस कैंप का पूरा पूरा फ़ायदा हासिल हो। तो लोगों के ताउन से, आप लोगों के ताउन से इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम अभी के आगे भी कर रहे हैं। तहसील भदरवा के अलावा हमारा प्रोग्राम दूसरी तहसीलों में भी ऐसे कैंप मुनक्कद करने का है। और आपको हम ये बता दें कि ये जो उमर एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट है, इसके बानी हमारे मरहूम मोहम्मद इकबाल साहब यजदानी हैं। उनकी देरीना ख्वाहिश थी कि हम लोगों के घरों में जाके, लोगों के डोर स्टेप्स पे जाके उनको फैसिलिटीज़ पहुँचाएँ, ताकि हम भी अपने इंसान होने का कोई सबूत पेश करें। तो अल्लाह के फजल करम से, ऊपर वाले की मेहरबानी से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के इश्तराक से, इंशाल्लाह ताला हमने इस काम को शुरू कर दिया है। आपकी दुआएं शामिल हाल हों तो इंशाल्लाह इसमें काफ़ी अचीवमेंट कर सकते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है।